देखिए फ्रेंड, ये कपड़ा 2.5 मीटर है। इस 2.5 मीटर कपड़े में हमने इसको डबल कर लिया है। ये देखिए, ये बंद वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है। इसको मैंने फोल्ड कर लिया है क्योंकि इसका अरस काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये खुली वाली साइड है और ये बंद साइड है। अब हम क्या करेंगे, बंद वाली साइड से इस तरह से कपड़े को एक कोननुमा शेप देंगे। देखिए इस तरीके से, अभी शेप देने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं कोननुमा शेप हो गया है। इस तरह से ठीक है। आप अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर सकते हैं। मेरा कपड़ा थोड़ा सेटिंग इसकी ख़राब हो सकती है इसलिए, लेकिन आप इसको और थोड़ा सा सेट कर लें। देखिए ये मैंने कपड़े को पिनअप कर लिया है ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना भागे, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा सिल्की टाइप से है। देखिए अब आप ये कोन देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले कपड़े को हम सेट कर लेते हैं अच्छे से और इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा देंगे। ये जितना बढ़ेगा हमारी जो है शलवार का घेर, या फिर कह सकते हैं कि ट्यूलिप शलवार, उतनी ही अच्छी बनेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप ये जो साइड देख रहे हो, इस वाली साइड को उठाकर हम इस तरह से इस पर रखेंगे, इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद इतना हमने गैप छोड़ देना है, तकरीबन 2 इंच के करीब हमें ये गैप छोड़ देना है। देखिए और कपड़े को हम सेट कर लेंगे। कपड़े में थोड़ी भी सिलवट नहीं होना चाहिए, वरना हमारी सिलाई अच्छी नहीं आएगी। आप देख सकते हो, ये देखिए कपड़े को इस तरह से हमने सेट कर लिया है। आप चाहो तो इसका मेजरमेंट यानी कि आप चेक कर सकते हैं एक बार कि ये कितना है। देखिए 2 इंच के करीब है ये। इसी तरीके से हमें नीचे तक 2 इंच तक रखना है। ये कपड़ा हमारा थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है क्योंकि ये सिल्की कपड़ा है। थोड़ा होता नहीं, ये कपड़ा थोड़ा सा गिरता है, ये उस टाइप से कपड़ा है। वैसे ये रेयॉन है बट इसमें थोड़ी सी लटकन ज्यादा है। काफी कंफर्टेबल कपड़ा है ये। देखिए आप देख सकते हैं 2 इंच। ठीक है ठीक। अब हम क्या करेंगे, आप हमारी ये जो नीचे की साइड देख रहे हैं, नीचे की साइड से 3, 4 या 5 इंच आप एक मार्क लगा दें। ठीक है, आप अपनी अकॉर्डिंग को ज्यादा कम या बढ़ती रख सकते हैं। वैसे मैं अपने अकॉर्डिंग 5 रख रही हूँ, 5 या 6। ठीक है, आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी लेंथ लेनी है कि आपको अपनी शलवार की कितनी लेंथ चाहिए है। तो मैं इसकी कंप्लीट लेंथ जो रखूंगी वो होगी मेरी 38। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पहले पूरी इसकी लेंथ की मार्किंग कर लें। देखिए 38 पर हमें मार्क करना है, ये हमारी कंप्लीट लेंथ है। अब हम क्या करेंगे,
हमने ये जो 38 पर मार्क किया है इससे हम 1 इंच माइनस कर देंगे। 1 इंच यानी कि 1 या 1.5 इंच इसको हम माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसमें 1.5 इंच हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। ठीक है, तो हम इसको 37 रखेंगे। हमारी कंप्लीट लेंथ 38 है, जो हमारी बनने के बाद कंप्लीट लेंथ होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारी ये लेंथ, यहाँ से हमने अपना क्या लेना है, देखिए अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना आसन ले लेंगे। आसन हम कितना लेंगे, आसन हम अपना यहाँ से जो हमारी जितनी भी हमने लेंथ रखी है हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 13 ले रही हूँ। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्क लगा लेंगे, हमने मार्क कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह से हमने 2 मार्क लगा दिए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम हल्की सी यहाँ पर गोलाई दे देंगे। ठीक है, गोलाई देने के बाद में आप ये जो इतना एक्स्ट्रा कपड़ा देख रहे हैं इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा आसन होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कट कर दिया है, ये देखिए ये हमारा आसन है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा 2 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था वहाँ से हमने आसन निकाला है। इसके बाद ये जो हमने अपनी लेंथ ली थी, यानी कि हमने 30 इंच अपनी लेंथ ली थी कंप्लीट, वहाँ से लेके यहाँ तक हमने 30 इंच सॉरी 38 इंच ली थी। इसके बाद ये देखिए ये आसन हमारा कट हो गया है, इसको थोड़ा सा कपड़ा रह गया है हम कट कर लेंगे। देखिए ये हो चुका है फिलहाल। इसके बाद ये हमने इधर से कटिंग दे दी है। अब हम इस कपड़े को अलग कर लेंगे, जो हमारा कटिंग का कपड़ा है इसमें से हम 1 इंच अपनी बेल्ट निकालेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से पूरा कट हो गया है। अभी ये ठीक से कट नहीं हुआ था, इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है, ऊपर की भी कटिंग दे दी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद में इसको हम खोल लेंगे। देखिए ये हमने खोल लिया है कपड़ा इस तरह से। अब ये जो आप ट्रायंगल शेप देख रहे हैं इसको हम पूरे तरीके से खोल लेंगे, और इसका जो मिडिल है ट्रायंगल का इसको यहाँ से कट कर लेंगे पूरा, यानी कि 2 पार्ट में इसको अलग कर दिया जाएगा। इसको मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। ये वाला पूरा शेप हमें जो बंद वाला साइड का है उधर नीचे तक हमें इसको कट कर देना है, क्योंकि ये आगे और पीछे का पार्ट है। देखिए दोस्तों, इसकी मैंने कटिंग कर दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप देख सकते हैं जो मिडिल से हमें कटिंग करनी थी ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो इसका सिरा देख रहे हैं आप यहाँ से लेकर वहाँ तक और फिर उस साइड से यहाँ तक हमें इस पर पूरे पर मोड़ कर सिलाई लगा देनी है। मोड़ेंगे हम कैसे, इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे, और इसके ऊपर अगर हम चाहें कोई फ्रिल का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम जो है किसी तरीके का कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैं इस पर डिज़ाइन डालूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद हमें इस पर इसी तरीके से दूसरे वाला जो हमारा पाचा है उसको भी इसी तरीके से करना है, मतलब दूसरा वाला जो पार्ट है हमारा। इसके बाद सिलाई लगाने के बाद दूसरे वाले पाचे पार्ट पर सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद में हमें ये दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर रखकर इस पर सिलाई लगा देनी है गोलाई से। इस पर रखेंगे और गोलाई से सिलाई लगा देंगे, जो मैं आपको कर कर दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, इसको पहले हम पिनअप कर लेंगे। पिनअप कर लिया है हमने, ये हमारी उल्टी साइड है, ये दोनों पीस मैंने उल्टी साइड को रखे हैं और ये सीधी साइड है। आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, इस डिज़ाइन की वीडियो मैं अपने लिंक पर डाल दूंगी। इसको आपको अगर बनाना हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरी लिंक पर जाकर।
देखिए मैं इसके ऊपर सिलाई लगाकर आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड ये कंप्लीट हो गई है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको मैंने पिनअप कर लिया है आगे और पीछे के पार्ट को। हमने किया क्या, इसका आसन सिलने के बाद में हमने इसको सीधा किया। सीधा करने के बाद ये जो हमारा कोन टाइप से जो पतली वाली साइड थी, उस पतली वाली साइड को हमने यहाँ पर जिस तरीके से रखा था पहले सिलने के टाइम पर, उसी तरीके से हमने इसको रखा और फिर हमारा ये बड़ा वाला जो पार्ट है इसके ऊपर रख कर इसको पिनअप कर दिया है। दोनों आगे पीछे के किनारों को जॉइंट किया है। पहले एक पाचे को हमने पिनअप किया, उसके बाद में दूसरे पाचे को पिनअप कर लिया। आप देख सकते हो। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप आसन को ज्वाइन करें तो पहले ये सिलाई आप लगा लें। आप चाहे तो कोई लेस लगा सकते हैं या डिज़ाइनिंग दे सकते हैं जैसे मैंने दी है, या फिर आप प्लेन भी रख सकते हैं। इसको सिलाई लगाने के बाद में ये हमारे बड़े वाले जो पार्ट है उस पर सिलाई लगाई गई है, और फिर जो हमारा पतला वाला पार्ट है उस पर हमने नीचे पूरी सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि हमारा ये एरिया नीचे सिलाई में आ जाएगा, बंद हो जाएगा, इसलिए हमने इतनी ही सिलाई लगाई है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी रखना चाहते हैं इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब आप ये जो मार्क देख रहे हैं मैंने लगाया है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसलिए मार्क लगाया गया है क्योंकि इसी मार्क पर रख कर हमें सिलाई लगानी है ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना जाए। इसी तरीके से वहाँ पर भी है, देख सकते हो। यहाँ पर बंद कर देना है, बाकी ये हमारा पैर डालने के लिए जगह है। इसके बाद आप ये जो देख रहे हो ये हमारा बेल्ट का एरिया है। यहाँ पर हम सिलाई ऑलरेडी लगा चुके हैं ताकि ये हमारा कपड़ा इधर उधर ना भागे। आप देख सकते हो आगे वाले पार्ट को हमने सिलाई दी है, पीछे वाले पार्ट को हमने सिलाई में इसमें अटैच नहीं किया, ये खुला हुआ है। इसके बाद हमें प्लेट्स डाल ली है, जितना भी आपका जो है आपका मेजरमेंट है या फिर आपका जितना भी है हिसाब आपके हिप का, ठीक है, उसी हिसाब से आपको डालनी है प्लेट्स। आप इस तरीके से सामने सामने करके डालेंगे, इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए चले जाएंगे, उस पर सिलाई लगा देंगे। आपकी जितनी भी बेल्ट है उस हिसाब से सिलने के बाद ये मैं आपको दिखाऊंगी।